अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं अख़वत न्यूज़। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऐसे शहर के बारे में जिसे शहीदों का शहर कहा जाता है। कहते हैं कि जहलम के हर दूसरे घर में शहीद पैदा हुआ। जमीर जाफरी कर्नल मोहम्मद खान की किताब बजंग आमद के दिबाचे में लिखते हैं कि अगर घरों के ऊपर अशार लिखने का रिवाज होता तो जहलम के हर घर के दरवाजे पर नजीरी का ये मिसरा जरूर कंदा होता। कसे के कुश्ता नशुद अज कबीला मानीस्त, उन्होंने अपनी किताब में ऐसा क्यों लिखा, आइए पाकिस्तान के एक ऐसे शहर के बारे में आपको बताते हैं। जहलम सूबा पंजाब का एक अहम तारीखी शहर है जो दरियाए जहलम और जीटी रोड के संगम पर वाकई है। जहलम दो लफ्जों से मिलकर बना है, जल यानी पानी और हम या मम से मुराद मीठे को कहते हैं। दरिया के दूसरी तरफ सराय आलमगीर नाम का कस्बा वाकई है जो मुगलिया दौर की याद दिलाता है। बाबर, हमायूं, अकबर, जहांगीर, शहनशाह हिंद, शेरशाह सूरी के रूट जर्नैली सड़क पर वाकई सराय आलमगीर अपनी एक पहचान रखता है, जहां मिलिट्री कॉलेज जहलम वाकई है जिसे ब्रिटिश दौरे हुकूमत में कायम किया गया। ब्रिटिश दौरे हुकूमत ही में जहलम के एन वस्त में एक चर्च भी कायम किया गया। जीटी रोड इन दोनों आबादियों से गुजरता है। जहलम के अहम मकामात में तारीखी किला रोहतास, टिला जोगियां, सॉल्ट रेंज और मंगला डैम शामिल हैं। यहां एक गोल्फ खेलने का मैदान भी है जहां कौमी गोल्फ टूर्नामेंट मुनक्कद होते हैं। जहलम के लोग फौज की मुलाजमत को तरजीह देते हैं। जहलम बरतानवी अहद में 1849 में बरतानवी फौज पंजाब में दाखिल हुई और यूं जहलम उनकी अमलदारी में आ गया। बरतानवी दौर में जहलम में वसी पैमाने पर तब्दीलियां की गईं। यहां एक बहुत बड़ी छावनी तामीर की गई, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अस्पताल भी कायम किया गया। 1873 में तारीखी रेलवे पुल दरियाए जहलम पर बनाया गया। मुख्तलिफ गिरजाघर भी यहां पर तामीर किए गए। क्याम पाकिस्तान के बाद शहर की हिंदू आबादी भारत चली गई और महाजरीन उनकी जगह पर आबाद हो गए। 1971 की जंग जहलम और जिला जहलम के लिए एक दुख भरा वाकया था। जहलम के हजारों जवान मशरूकी पाकिस्तान में शहीद हुए और हजारों की तादाद में जंगी कैदियों में शामिल हुए। मार्शल लॉ हुक्मरानों के गैर जमहूरी फैसलों ने न सिर्फ मशरूकी पाकिस्तान को हमसे अलहदा कर दिया बल्कि जहलम को भी गमगीन और अश्क बार कर दिया। माओ के बेटे, बहनों के भाई, बीवियों के शौहर और बच्चों के बाप हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए। उनके घरों में लगी उनकी तस्वीरें और उनके अजीजों के दिलों में उनकी यादें उन्हें उदास करती रहेंगी। 1992 में दरियाए जहलम में आया सैलाब भी जहलम के लोगों के लिए एक अलमिया था। गर्मियों में जहलम का दर्जा हरारत सख्त गर्म होता है। सालाना बारिश की मकदार 35 इंच सालाना है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और अगर ऐसी ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो अख़वत न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय दीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिए। अपनी मेज़बान नसरीन बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।